बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे छठी क्लास का साइंस का प्रैक्टिस पेपर मिड टर्म एग्जामिनेशन 2022-23। बच्चों जो ये पेपर रहेगा आपका 60 नंबर का रहेगा और इसमें समय दिया गया है 2.5 घंटे। यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस निर्देशों को पढ़ सकते हैं और ये जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। इनमें आपको बताया गया है इसमें 3 सेक्शन होंगे ए बी सी, और कौन सा सेक्शन कितने नंबर का होगा इसमें आपको यही बताया गया है। तो देखिए एक एक करके हम इन प्रश्नों के उत्तर आपको बताते हैं, आप इनको कॉपी में नोट करिए। देखिए पहला प्रश्न है आपसे, इसमें पूछा गया है भोजन का कौन सा घटक शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, तो इसका उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट और वसा। जो कार्बोहाइड्रेट और वसा है ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। और दूसरा प्रश्न है उस वस्तु को क्या कहते हैं जो अपना प्रकाश उत्सर्जित करती है, तो ऐसी वस्तुओं को बोलते हैं दीप्त वस्तु। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य का अपना प्रकाश होता है, ये अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, तो ये दीप्त वस्तु है। अगले प्रश्न में पूछा गया तीसरे में विद्युत सेल के कितने टर्मिनल होते हैं, तो जो विद्युत सेल होता है ऐसा होता है, विद्युत सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, एक तो धनात्मक वाला होता है, धनात्मक वाला प्लस वाला, ऋणात्मक वाला या नेगेटिव वाला, इसके 2 टर्मिनल होते हैं विद्युत सेल के। अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका उत्तर होगा स्कर्वी। प्रकाश है जो कौन सी कैसी रेखा में गति करता है, गमन करता है, ये सरल रेखा में गमन करता है, सीधा भी लिख सकते हो, सीधी रेखा में गमन करता है। अगला प्रश्न है छठा, सुचालक और कुचालक में प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है सुचालक का उदाहरण लोहा। सुचालक वो होते हैं जो विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देते हैं, तो सुचालक लोहे में से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, गुजर जाती है, तो लोहा एक सुचालक है, और कुचालक जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, तो उसका उत्तर होगा लकड़ी। अगला प्रश्न दिए गए विद्युत परिपथ में धारा की दिशा दर्शाइए, देखिए ये आपको ये चित्र दिया गया है, यहाँ पर जो प्लस प्लेट है, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है, तो जो विद्युत धारा की दिशा होती है ये धनात्मक प्लेट से निकल के ऋणात्मक प्लेट की तरफ जाती है ऐसे, ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पर देख लीजिए, धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर जो विद्युत धारा की दिशा है वो होगी। अगला प्रश्न है अच्छी दृष्टि बनाए रखने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो इसका उत्तर होगा विटामिन ए। अगले में पूछा गया कभी भी सूर्य की ओर सीधे नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, सही बात बोल रहा है बिल्कुल, तो इसमें सही गलत बताना है, तो इसका उत्तर होगा सही। अगला प्रश्न है छाया केवल खालिस्तान पर बनती है, तो छाया कहाँ पर बनती है, स्क्रीन पर। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है एक विद्युत सेल विद्युत कहाँ से उत्पन्न करता है, तो इसका सही उत्तर होगा रासायनिक अभिक्रिया से। विद्युत सेल है, विद्युत सेल के अंदर जो कुछ केमिकल्स होते हैं उनमें रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है, जिसके कारण जो सेल है उसमें विद्युत बनती है। अगला प्रश्न शरीर के लिए संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, बिल्कुल सही बोल रहा है भाई, संतुलित भोजन में हमको अलग अलग तरीके के भोजन करने चाहिए जिससे हमारे शरीर को सभी पोषक तत्व मिल सके, तो इसका उत्तर सही है। अब देखिए यहाँ से शुरू होता है सेक्शन बी, सेक्शन एक में एक एक अंक वाले प्रश्न थे, अब सेक्शन बी है जो खंड ब है, इसमें देखिए ये यहाँ पर अंक दे रखे हैं 2 नंबर का, ये 2 नंबर वाले प्रश्न शुरू हो गए हैं आपके। दूसरा प्रश्न है आहारी रेशे से भरपूर 2 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए, आहारी रेशे होते हों ऐसे भोजन का नाम बताना, तो इसका उत्तर होगा पालक और पत्ता गोभी। अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया किस प्रकार के भोजन से शरीर किस प्रकार के भोजन को शरीरवर्धक भोजन कहा जाता है, मतलब बॉडी बिल्डिंग वाला फूड कहा जाता है, ठीक है, तो इसका उत्तर होगा प्रोटीन वाला भोजन, जो प्रोटीन वाला भोजन है उसको शरीरवर्धक भोजन कहते हैं, जैसे दालें हो गई, राजमा हो गए, चने हो गए, ठीक है, इन सभी से हमको प्रोटीन मिलती है। अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया एक अपारदर्शी और एक पारदर्शी वस्तु का एक एक उदाहरण दीजिए, तो अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण हो जाएगा लकड़ी का पत्थर। अपारदर्शी वस्तु का मतलब जिसमें से प्रकाश गुजर नहीं सकता, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, बेंच हो गई, या दीवार हो गई, ईंट हो गई, पत्थर हो गए, लकड़ी, ठीक है, इनमें से प्रकाश आर पार नहीं जा सकता, मतलब
प्रकाश गुजर नहीं सकता, तो ये अपारदर्शी वस्तुएं। उदाहरण पूछा गया है, लकड़ी और पत्थर इसका उदाहरण हो जाएगा, और पारदर्शी वस्तु का उदाहरण हो जाएगा वायु और जल। वायु में से प्रकाश आसानी से गुजर जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वायु और जल। अगला है, संतुलित आहार किसे कहते हैं? ये देखिए, देखिए इसका उत्तर है संतुलित आहार। जो संतुलित आहार है वो एक ऐसा आहार है जिसमें कुछ निश्चित मात्रा और अनुपात में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, ताकि कैलोरी, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और वैकल्पिक पोषक तत्व तो पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हों। ऐसे भोजन को हम क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। तो देखिए, जो चौथा प्रश्न है था ये संतुलित भोजन, इसका उत्तर आपको बता दिया गया है। अगला है, इसी के अथवा में पूछा गया, क्या होता है जब आयोडीन विलयन की दो या तीन बूंदें स्टार्च युक्त पदार्थ पर गिरती हैं? ये देखिए, जो चौथा प्रश्न है इसमें दो प्रश्न दिए गए हैं, एक प्रश्न आपको अथवा दे रखा है, इन दोनों में से पेपर में आपको एक ही करना होगा, पर प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आप दोनों ही देख लीजिए। तो इसका उत्तर होगा नीला या काला, विलयन कैसा हो जाएगा, नीला या काला हो जाएगा। बच्चों, अगला प्रश्न है पांचवा, इसमें आपसे पूछा गया पिनहोल कैमरे से किस प्रकार के चित्र बनते हैं? जो कैमरा होता है उसमें ये चित्र किस प्रकार के बनते हैं? तो इसका उत्तर होगा वास्तविक और उल्टा, किस प्रकार के चित्र बनते हैं? वास्तविक और उल्टे। ठीक है, चित्र कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा और उल्टा रहेगा, कैमरे से जो चित्र बनता है। अगला प्रश्न है, आहारी रेशा हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता, लेकिन यह हमारे भोजन का एक अनिवार्य घटक है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा जो आहारी रेशे होते हैं ये हम भोजन के साथ ग्रहण करते हैं, और ये क्या काम होता है इनका? इनका कार्य होता है ये अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, इसमें पूछा गया छाया कैसे बनती है? तो देखिए, इसका उत्तर होगा छाया, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर गिरता है तो प्रकाश बाधित होता है, और पर्दे के पीछे रखे काले धब्बे को छाया कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में फैलता है, यदि वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी कम है तो जो छाया है वो गहरी और छोटी होगी। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये छाता है, छाता नहीं लिखना है यहाँ पे, ये छाया गहरी और छोटी होगी। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पर बीच में आपकी ये अपारदर्शी वस्तु आ जाती है, और जहाँ से प्रकाश कोई पड़ता है, जब प्रकाश के बीच में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाएगी, जो स्क्रीन होगा इस पर छाया बनती है, यही लिखा हुआ है बस इसमें। अगला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया, देखिए सातवें प्रश्न में भी आपको अथवा प्रश्न दे रखे हैं। ठीक है, चांद को एक दीप्त पिंड क्यों नहीं माना जाता? दीप्त वस्तु होती हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, और प्रकाश भी कैसा होना चाहिए? खुद का होना चाहिए। पर जो चांद है, चांद का खुद का प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है, इसलिए चांद को दीप्त पिंड क्यों नहीं कहते? क्योंकि चांद का स्वयं का प्रकाश नहीं होता, क्योंकि चांद का स्वयं का प्रकाश नहीं होता, इसलिए
चांद को एक द्वीपपुंज नहीं माना जाता, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आप ये और लिख सकते हो, चांद सूर्य के प्रकाश की सहायता से चमकता है। इसके बाद आपको लिखना है इसलिए चांद एक दीपपिंड नहीं माना जाता, ठीक है। ये लिख लेना है, यहाँ पर जगह नहीं बची है इसलिए मैं इसको नहीं लिख पा रहा हूँ, इसको लिख लेना इसलिए चांद को एक दीपपिंड नहीं माना जाता, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, इसमें आपसे पूछा गया है एक विद्युत सेल का चित्र उसके टर्मिनल को दर्शाते हुए अंकित कीजिए। देखिए एक विद्युत सेल का चित्र बना देना आपको, ये विद्युत सेल है, ये धनात्मक टर्मिनल है, धनात्मक, और ये है ऋणात्मक। क्या आएगा यहाँ पे? ऋणात्मक, ठीक है। ये उत्तर आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया तीन धातुओं के नाम लिखिए जो विद्युत के सुचालक हैं। विद्युत के सुचालक कौन सी धातु हैं? धातु देखिए, धातु वो होती है जो चमकदार होती है और जिनमें से विद्युत धारा गुजर जाती है, तो इसका उत्तर होगा तो देखिए बच्चों, इसमें तीन धातुओं के नाम बताने हैं जो विद्युत की सुचालक होती हैं, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा, इसका उत्तर हो जाएगा लोहा। चलिए मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, लोहा, कॉपर, कॉपर बोलते हैं तांबा को, और एल्यूमिनियम हो गया, और चांदी हो गई, ठीक है। तो इसके चार उदाहरण हो गए आपके, आप कोई भी तीन यहाँ से लिख सकते हो। अगला प्रश्न है बच्चों, नौवां, इसमें पूछा गया छाया के निर्माण के लिए आवश्यक तीन चीज़ें लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, देखिए छाया बनने के लिए आवश्यक शर्तें हैं, सबसे पहला प्रकाश का स्रोत होना चाहिए, दूसरा एक अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए जो उसके बीच में रखी जाएगी, तीसरा एक स्क्रीन होनी चाहिए, ठीक है। एक स्क्रीन होनी चाहिए जिस पर जो है छाया बनती है। अगला है अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश स्रोत और स्क्रीन के बीच में रखते हैं। देखिए ये प्रकाश का स्रोत हो गया, ये आपका हो गया कोई प्रकाश का स्रोत जैसे टॉर्च हो गए, इसमें यहाँ पर अपारदर्शी वस्तु को रखा जाता है, अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश के स्रोत और स्क्रीन के बीच में रखना होता है इसमें। अगला प्रश्न है बच्चों, दसवां, इसमें आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक स्विच का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? जो स्विच यूज़ करते हैं हम घरों में, उसका उद्देश्य क्या होता है? इलेक्ट्रिक स्विच को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि परिपथ को तोड़ने तथा जोड़ने का कार्य करता है। देखिए यहाँ पर मैं इसका उत्तर लिख देता हूँ, इसका प्रयोग परिपथ को तोड़ने या जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बेटा दसवीं का बी, दो विद्युत उपकरणों के नाम लिखिए जिसमें स्विच लगे होते हैं, जिनमें स्विच पहले से लगा होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन। ठीक है,
अगला प्रश्न है 11वां। इसमें आपसे पूछा गया है, देखिए इसमें तीन चित्र दिखाए गए हैं, ए बी और सी। इसमें आपको बताना है इसमें कौन सी स्थिति में ये मोमबत्ती आपको दिखाई देगी। देखिए इस पाइप में से इस मोमबत्ती को देख रहा है, ये सीधा पाइप है, ये अगला पाइप है मुड़ा हुआ है, और देखिए सी पाइप में देखिए इसमें क्या है, ये पाइप से तो इधर देख रहा है पर मोमबत्ती कहाँ पर रखी है, इधर रखी है यहाँ नीचे। तो इनमें से आपको बताना कौन सी स्थिति में ये मोमबत्ती को देख पाएगा। तो उत्तर होगा जो पहली स्थिति है ए वाली, इसमें ये है जो बच्चा मोमबत्ती को देख पाएगा, क्योंकि कारण बताना, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, गमन का मतलब गति करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी लिखना है मोमबत्ती को चित्र ए में देख पाएगा वो, ठीक है। कौन से चित्र में देख पाएगा, चित्र ए में मोमबत्ती को देख पाएगा, दो और तीन में नहीं देख पाएगा, दो में ये जो पाइप है टेढ़ा है, और तीसरे में जो सी वाला पार्ट है इसमें जो मोमबत्ती है वो पाइप के सामने नहीं है, इधर उधर रखी है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर पड़ता है तो प्रकाश के मार्ग में क्या परिवर्तन आता है, क्या कहलाता है। ये देखिए बच्चों, ये कुछ चमकीली सतह है, जब इस पर कोई प्रकाश पड़ता है तो ये परावर्तन, तो इससे टकराने के बाद वो वापस आ जाता है, ठीक है। टकराने के पश्चात क्या होगा, वो वापस मुड़ जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर कोई दर्पण रखा है, मिरर है जिसमें हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, ये इससे टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में आ जाता है, पार नहीं होता, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। इसमें प्रकाश टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में मुड़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से आपका सेक्शन सी शुरू हो गया, खंड से। वसा के किन्हीं तीन स्रोतों के नाम लिखिए और इनका चित्र भी बनाना है। देखिए वसा के स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे घी हो गया, घी, दूध, तेल, नारियल का तेल, इनका चित्र और बना देना, ठीक है। नाम मैंने इनका बता ही दिया आपको। अगला प्रश्न है 12वें का बी पार्ट, कॉलम का मिलान करें। देखिए इसमें बीमारी कौन सी, विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग, आयरन की कमी से होता है एनीमिया, जो खून की कमी हो जाती है उसको एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश में दे रखा है। अगला है पोषक तत्व क्या होते हैं। तो देखिए जो पोषक तत्व हैं वो क्या होते हैं, इसका उत्तर आपको बताना है। पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर को समृद्ध करते हैं, शरीर को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, शरीर में किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। ये क्या काम करते हैं, ऊतकों का निर्माण करते हैं और उनकी मरम्मत करते हैं, जो शरीर में टूट फूट होती रहती है उन कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं, उनको नई बनाते हैं। यह शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करता है और यही ऊर्जा शरीर की सभी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक होती है। देखिए अगले में पूछा गया मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो जो मुख्य पोषक तत्वों के नाम हैं इसका उत्तर होगा, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त जो भोजन में आहारी रेशे और जल भी होता है। अगला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है बल्ब के न चमकने का कारण उसके खालिस्तान का टूटना होता है। देखिए
जैसे यहाँ पर हम लगा देते हैं एक बल्ब, एक सेकंड, यहाँ पर जैसे हमने एक बल्ब लगा दिया, ये इसमें फिलामेंट है, ठीक है, इसको हम जोड़ देते हैं किसी सेल से। तो देखिए बल्ब जलता नहीं है, मतलब कब नहीं चमकता, जो सर्किट टूट जाए, जब ये सर्किट है यहाँ से, जैसे कोई, एक सेकंड, ये है, तो देखिए अगर कोई सर्किट टूट जाए, जैसे यहाँ से ये देखिए सर्किट टूटी हुई है यहाँ से, हैं, यहाँ से सर्किट टूट गई ना, ये तार अब तो जुड़ा हुआ है, अगर ये सर्किट यहाँ से टूट जाए तो ये बल्ब नहीं जलेगा, ये पहला ऑप्शन है, ये भी सही है। और अगर फिलामेंट टूट जाए, इसका जो फिलामेंट है यहाँ से टूट जाए, ठीक है, तो इस स्थिति में भी ये जो बल्ब है नहीं चमकेगा, ठीक है। अगला है टर्मिनल टूट जाए, ये जो टर्मिनल है यहाँ से इनका कनेक्शन टूट जाए, टर्मिनल टूट जाए, तो इस वाली स्थिति में भी ये बल्ब नहीं जलेगा। तो इसका उत्तर है जो, इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है बल्ब के फ्यूज़ होने का एक कारण इसके खालिस्तान का टूटना होता है। तो देखिए बल्ब का कौन सा जो पार्ट है जब टूट जाएगा तो ये जो बल्ब है नहीं जलेगा, तो इसका उत्तर होगा फिलामेंट। फिलामेंट जो इसका बीच वाला तंतु होता है वो फिलामेंट होता है, ये देखिए ये फिलामेंट है बच्चों, इसका उत्तर होगा फिलामेंट। अगला प्रश्न है इससे आपसे पूछा गया एक साधारण उपकरण जो या तो सर्किट को तोड़ता है या उसको पूरा करता है, तो इसका उत्तर होगा स्विच। स्विच सर्किट को तोड़ता है या उसको पूरा करता है। अगला 14वां प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया बीज एक छोटा गोलाकार अंडाकार तंतु है, जब बीज को बोया जाता है तो ये एक नया पौधा जन्म लेता है, कुछ सब्जियों व फलों के बीजों का उपयोग हमारे भोजन में किया जाता है। इसके पार्ट्स दिए गए हैं, इसमें पहला पार्ट है आपसे पूछा गया है इसमें आपके घर में मसाले के रूप में उपयोग की जाने वाली बीज है, तो मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं जीरा। अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है, मूंगफली भी आपका बीज है, चना भी बीज है, तिल भी बीज है, इसका उत्तर होगा गाजर, गाजर जो बीज नहीं है। अगला है इसमें पूछा गया बीज को, बीज जो खाने योग्य नहीं है, बादाम को खाया जा सकता है, मसूर को भी, मटर को भी, पपीते का बीज खाने लायक नहीं है, तो इसका उत्तर होगा पपीता। अगला प्रश्न है 15वां, इसमें आपसे पूछा गया है गोपाल अपने मौसी के परिवार से मिलने का इंतजार कर रहा था, वे अगले दिन अपनी छुट्टियों के लिए आएंगे, वह बहुत उत्साहित था, तभी उसकी मां ने पुकारा गोपाल सोने से पहले अंकुरित होने के लिए चना के दो छोटे कटोरे भिगोना याद रखना। अब देखिए इसके पार्ट्स दिए गए हैं, इसमें पहले में पूछा गया निम्नलिखित में से किन वस्तुओं को अंकुरित किया जा सकता है, चना इसको भी अंकुरित किया जा सकता है, साबुत मसूर, राजमा, तो इसका उत्तर होगा सभी, इन सभी को अंकुरित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है चना एक पौधे का खाने योग्य वाला भाग है, ये चना कौन सा भाग होता है, चना ना तो फल होता है, ना जड़ होती है, ना पत्ता होता है, तो ये बीज होता है। अगला प्रश्न है अंकुरित भोजन में किसकी अधिकता होती है, तो अंकुरित भोजन में अधिकता होती है प्रोटीन की। बच्चों इस प्रैक्टिस पेपर में आपसे 15 प्रश्न पूछे गए थे, अगर आप चाहते हैं आगे ऐसे ही आपको प्रैक्टिस पेपर मिलते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ सकते हैं।